प्रेरणा कथा अधिकारों का दुरुपयोग। एक समय में अत्यंत निर्दयी और क्रूर राजा था। वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। दूसरों को पीड़ा देने में उसे आनंद आता था। उसका आदेश था कि उसके राज्य में एक अथवा दो आदमियों को प्रतिदिन फांसी लगनी ही चाहिए। उसके इस व्यवहार से प्रजा बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन उस राजा के राज्य के कुछ वरिष्ठ जन इस समस्या को लेकर एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचे और बोले, महाराज हमारी रक्षा कीजिए। यदि राजा का यह क्रम जारी रहा तो नगर खाली हो जाएगा। वो प्रतिदिन एक या दो लोगों को मृत्यु दंड सुनाते हैं। संत भी काफी दिनों से यह देख सुन रहे थे। वे अगले ही दिन दरबार में जा पहुंचे। राजा ने महान संत का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब संत बोले, मैं आपसे एक प्रश्न करने आया हूं। यदि आप शिकार खेलने जंगल में जाएं और मार्ग भूलकर भटकने लगे और प्यास के मारे आपके प्राण निकलने लगे, ऐसे में कोई व्यक्ति सड़ा गला पानी लाकर आपको इस शर्त पर पिलाए कि तुम आधा राज्य उसे दोगे, तो क्या तुम ऐसा करोगे? राजा ने कहा, प्राण बचाने के लिए आधा राज्य देना ही होगा। संत पुनः बोले, अगर वह गंदा पानी पीकर तुम बीमार हो जाओ और तुम्हारे प्राणों पर संकट आ जाए, तब कोई वैद्य तुम्हारे प्राण बचाने के लिए शेष आधा राज्य मांग ले, तो क्या करोगे? राजा ने तुरंत जवाब दिया, प्राण बचाने के लिए वह आधा राज्य भी दे दूंगा, जीवन ही नहीं तो राज्य कैसा? तब संत बोले, अपने प्राणों की रक्षा आप राज्य लुटा सकते हैं तो दूसरों के प्राण क्यों लेते हैं? संत का यह तर्क सुनकर राजा को चेतना आई और वह सुधर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुम ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भी और लोगों की तरह सामान्य प्राणी हैं और हमें अपने अधिकारों का प्रयोग लोक हित में और विवेक सम्मत ढंग से करना चाहिए। धन्यवाद।